आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ NIOS क्लास 12 हिस्ट्री यानी तारीख का सबक नंबर 18 315। ये हमारा मोबाइल नंबर है और अगर आपको इसके असाइनमेंट वगैरह और प्रैक्टिकल वगैरह बनवाने या एडमिशन कराना है या आपको नोट्स चाहिए किसी सब्जेक्ट के तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पहला सवाल है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 क्या था? तो इसका जवाब है कि 1878 को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने हिंदुस्तानी जबान के अखबार रसाइल पर पाबंदी लगा दी। वर्नाकुलर एक्ट था, वर्नाकुलर एक सोसाइटी थी जो प्रेस थी, जो अखबार वगैरह छापती थी, उसने 1878 में जो है एक एक्ट पास किया था जिसके ज़रिए हिंदुस्तान की जो जबान के अखबार या रसाइल यानी रिसाले थे उन सब पर पाबंदी लगा दी थी। दूसरा सवाल है, मजहबी इसलाह के लिए बरहमू समाज के तआवुन की वजाहत करें। यानी मजहबी इसलाह यानी समाज के अंदर जो खामियाँ थी, बुराइयाँ थी मज़हब के अंदर, उसको निकालने में ब्राह्मू समाज का क्या तआवुन था? तो ब्राह्मू समाज की मजहबी इसलाह, ब्राह्मू समाज के बुनियाद राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में रखी थी। राजा राम मोहन राय ईस्वी जिक्र के मुस्तहिल, इसी जिक्र में बहुत ज़्यादा अदबी हिमायत के मालिक और हिंदुस्तानी सकाफत इस्लाम और ईसाइत में गहरी दिलचस्पी रखते थे। यानी इन्होंने इस्लाम के बारे में भी बहुत पढ़ा था और ईसाइत के बारे में बहुत। वे सती प्रथा के सख्त मुखालिफ थे। सती प्रथा क्या होती थी? जिसमें हिंदू खवातीन को उनके शोहर की चिता समेत जला दिया गया। उनकी कोशिशों की वजह से बरतानवी सल्तनत ने 1829 में इस पर पाबंदी लगा दी। वे कहते थे कि खुदा एक है। उन्होंने बंगाली और अंग्रेज़ी में बड़े पैमाने पर लिखा। वह अंग्रेज़ी तालीम की तरक्की देने के हक में थे। वो चाहते थे कि वह अंग्रेज़ी तालीम भी हासिल करें लेकिन जो है सती की रस्म को ख़त्म किया जाए। 19वीं सदी में सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए क्या इकदाम किए गए? 19वीं सेंचुरी 19वीं सदी में सदी की रस्म ने बिल्कुल मुखालिफ शक्ल इख्तियार कर ली। शोहर की मौत के बाद हर औरत अपने शोहर के आखिरी रसूमात में सपुर्द खाक करना पड़ता था, पर यह रिवाज सामाजिक और मजहबी अमल के शक्ल इख्तियार कर चुका था। इसमें राजा राम मोहन राय जैसे समाजी मसलहीन ने इसकी सख्त मुखालफ, मसलहीन यानी इसलाह करने वाला, लोगों की खामियों को दूर करने वाला, उन्होंने उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम पेजिक की मशवरा दिया कि वह इसके खिलाफ कानून साजी करें। पेंडिंग को समाजी सती की रिवाज को हौसला अफजाई या उस पर अमल करने वाले को मुजरिम समझा और उसके लिए सख्त सज़ा का इंतज़ाम किया, जिसके बाद सती का रिवाज पर काफ़ी हद तक पाबंदी लगा दी गई। इसके बाद जो है चौथा सवाल है कि राजा रामकृष्ण मिशन कब और किसने कायम किया और इसकी अहम बुनियादें क्या थी? रामकृष्ण मिशन 19वीं सदी के आखिर में एक इस्लाही तहरीक के तौर पर शुरू हुआ और जल्द ही पूरे मुल्क में फैल गया। इसे स्वामी विवेकानंद ने 1886 में कायम किया था। उसकी बुनियादें दर्ज झेल हैं। उसने तमाम मजाहिब की बराबरी, अछूत, अवामी खिदमात, खैरात, मुतासरीन की मदद और हिंदुस्तान के मसाइल को हल का पैगाम दिया। उसने इदारे ने खातीन की हालत बेहतर बनाने और तालीम को फ़रोग का काम किया। उसने बहुत से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और यतीम खाने बनवाए, यानी अच्छा काम किया कुल मिला के। हंटर कमीशन का मकसद क्या था? इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार जो है पेपर में आता है। हंटर कमीशन 1882 में W. हंटर ने कायम किया था। इस कमीशन ने प्राइमरी तालीम पर खसूसी जोर दिया बच्चों की, जिसका कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनसिपल बोर्ड को मुंतकिल करने पर बात हुई। इस मुनासबत से सानवी सतह पर डायरेक्टर के रहने पर जोर दिया गया। इसने ख्वानदगी की तालीम पर होनी चाहिए, एक ख्वानदगी की तालीम होनी चाहिए जो यूनिवर्सिटी की तालीम रुजू करे, और दूसरा पेशा वाराना तालीम फ़रोग करने के लिए फैकल्टी हुई। इसमें तालीम के शोबे निजी कोशिशों की हौसला अफजाई की गई। खातीन की तालीम पर खसूसी तवज्जो दी गई। इस स्कीम से तालीम के मैदान में भी मिसाली करार हुई, जिसके नतीजे में 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी और 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कायम हुई। छठा सवाल है, समाजी और मजहबी इस्लाही तहरीक में आर्या समाज या विवेकानंद सरस्वती के तआवुन की वजाहत कीजिए। देखिए दोनों तरीके से आ सकता है। अगर सवाल आता है विवेकानंद सरस्वती के तआवुन की वजाहत करें या समाजी और मजहबी इस्लाही तहरीकी कार में आर्या समाज,
की वजाहत करें। तो दोनों में यही लिखना है आपको कि स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने 1815 में सामाजिक और मजहबी सुधार लाने के लिए आर्य समाज की बुनियाद रखी। उनकी बुनियादी उसूल दर्ज ज़ेल हैं। नंबर एक, बचपन की शादी पे रोक, अजवाज और बेमिस्र बेमेल की मुखालफत, अछूत का खात्मा, मजहबी रसूमात की मुखालफत, वेदों की तालीम पर जोर, खुदा को नरगोना, हमागीर, कादर मुतलक और गैर पैदाइशी के तौर पर कबूल करना। सातवां और आखिरी सवाल है इसका कि समाजी इस्लाह के मैदान में ईश्वरचंद विद्यासागर की क्या शराकत है, मतलब उनका क्या काम है, इम्पॉर्टेंट है ये। समाजी इस्लाह के मैदान में विद्यासागर का तआवुन, उन्होंने हिंदुस्तान के, ईश्वरचंद विद्यासागर एक जो है समाजी कारकुन थे, याद रखिएगा नाम है, उन्होंने हिंदुस्तान की दलित खातिन को बेहतरी के लिए सबसे ज़्यादा तआवुन दिया। इस मैदान में वो राजा राम मोहन राय के काबिल जानशीन साबित हुए। 1850 में उन्होंने बच्चों की शादी की मुखालफत की ताकि लड़के तालीम हासिल करें। उन्होंने ज़िंदगी भर तादाद अजवाजे की मुखालिफ मुहिम चलाई। वो बेवा की दोबारा शादी के सख्त हामी थे, मतलब होनी चाहिए। वो बेवाओं के साथ देने में कामयाब हो गए। 7 दिसंबर 1856 को वस्त में 26 बेवाओं ने माली इमदाद देकर दूसरी शादी कर ली। अगरचे ईश्वरचंद विद्यासागर को इस नेक मकसद के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, फिर भी वो सारा बदकिस्मती से विद्यासागर बचपन की शादी और ताजी की मुखालफत करने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन उन्होंने इन दोनों बुराइयों के खिलाफ दो किताबें, कसरत अजवाज और बाली व नहर लिखी और लोगों को इनकी बुराइयों से आगाह करके मुल्क की बहुत ज़्यादा खिदमत की। उम्मीद है कि आपको ये 12 चैप्टर समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ हमारी जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको असाइनमेंट, प्रैक्टिकल नोट्स वगैरह कुछ चीज़ चाहिए और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।